की हालत होती है, गांव से भी बुरी हालत अलवर शहर की हो चुकी है। यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं है, आवारा पशु बंदर, जिस तरह की लोगों की यहाँ तक की मौत भी हो चुकी है, और जिस तरह का एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है अलवर का नगर परिषद, उससे सब लोग दुखी हैं। तो एक एक बदलाव का एक समय है, और जिस तरह का समर्थन पूरे 65 वार्डों में मिला है हमें अलवर के अंदर, इससे निश्चित रूप से अलवर की जनता कांग्रेस का बोर्ड बनाएगी। सिर्फ अलवर ही नहीं, इसके साथ साथ भिवाड़ी और थानागाजी में भी 100% कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। पार्टियां जो है अपनी अपनी बात कहती है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहते हैं, और पिछले पार्षद ने क्या काम किया नहीं किया इसको भी लोग ध्यान में रखते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी जो होती है ना, वो पार्षद के खिलाफ होती है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं होती है। और मैं समझता हूँ कि इन चुनावों में भी पार्षदों की एंटी इनकम्बेंसी जो है वो प्रमुख रूप से हावी रहेगी। बूथ पर तो लोग इतने परेशान हैं पूरे गांव के, यहाँ क्योंकि सारा भरतपुर का कचरा यहाँ डाला जाता है, 9 गांव है, और उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा। पिछले 5 साल जनता इंतजार कर रही है कि कुछ ना कुछ नगर निगम करे, लेकिन कुछ किया नहीं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, लाइटों की व्यवस्था खराब है, सीवरेज के नाम पर पूरी सड़कें खोद के पटक रखी हैं। इस सब का सुधार होना चाहिए। पानी की भी नहीं मिला इनको, चंबल का खुद कह रहे हैं लोग। ये समस्याएं हैं जिनका निश्चित रूप से निदान किया जाएगा जो लंबित पड़ी है। कचरा सड़कों पर, कोई सफाई व्यवस्था नहीं, सारी सड़कें खुदी हुई, नालियां जाम, सीवरेज का काम बीच में अटका हुआ। खाद्य सुरक्षा के कार्डों के लिए आम जनता ने चक्कर लगाए हैं, पेंशन के लिए आम जनता ने चक्कर लगाए हैं, रोड लाइटें बंद रही हैं। ये हालात यहाँ की नगर परिषद की रही है। तो जनता ने तय कर लिया है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी को बाहर बैठाएंगे और कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। कि हमें पूरा भरोसा है कि हम बोर्ड बनाएंगे। के विषय भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो पूरी पार्टी अपने हिसाब से कंसल्टेशन करके और जिम्मेदारियां देती है अलग अलग। या पूरी पार्टी को जिम्मेदारी है, मैं भी उसका एक हिस्सा हूं, और जो विषय आपने रखा वो अपन करेंगे बात आगे, दृष्टि पत्र का भी करेंगे, आरोप पत्र का भी करेंगे, वो विषय करेंगे। तब रहती है, जहाँ रहती है वह कार्य करती है, तो हम सेवा भाव से कार्य करेंगे। और जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने प्रतिबद्धता के साथ कहा था कि मेरी हर उड़ान तुझ पे जाकर के खत्म होगी। मैंने अपनी आरजू को अपना इतना ही पढ़ लगाया, इसका अर्थ ये है कि मैं पार्षदों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहूंगी, कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी, और हम लोग मिलकर के हमारे कांग्रेस के जो मूल मंत्र हैं कि आम जन की सेवा, शहर को सुंदर बनाना, पर्यटन सिटी बनाना, हेरिटेज सिटी के अनुरूप इसको ढालना, ये सब कार्य हम लोगों को करने। कार्य कठिन जरूर लगते हैं लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। क्या है कि ये उदयपुर की जनता की हम पे और हमारी पार्टी पर एक विशेष कृपा है कि मुझे भी कई बार उन्होंने यहाँ से विधायक भी चुना, और उदयपुर की जनता की मेहरबानी से भारतीय जनता पार्टी के 5 बोर्ड भी बने, और आज फुल कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ 6ठा बोर्ड भी भारतीय जनता पार्टी बनेगा, और संख्या भी 50 से 60 के बीच आएगी पार्षद। तो वही चले बड़ी खबर आपको देते हैं। निकाय चुनाव के लिए मतदान लगातार जारी है और आखिरी दौर अब मतदान